पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की सबसे पसंदीदा हीरोइंस में से एक थी कल्पना मोहन। कल्पना का असली नाम था अर्चना मोहन था और वो एक बेहतरीन कथक डांसर थी। अब चूंकि कल्पना का संबंध कांग्रेस पार्टी से भी था, इसलिए वो राष्ट्रपति भवन में होने वाले सांस्कृतिक समारोहों का हिस्सा भी हुआ करती थी। और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कल्पना के सबसे बड़े फैन थे, जो कल्पना के कथक डांस के मुरीद हो चुके थे। फिल्म प्रोफेसर से अभिनेता शमी कपूर के अपोजित नजर आई अभिनेत्री कल्पना मोहन से हम ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, पर अपने छोटे से फिल्मी करियर में कल्पना ने अपने अभिनय क्षमता का जबरदस्त परिचय दिया था। हालांकि कल्पना ने अपने पूरे फिल्मी करियर में करीब एक दर्जन फिल्में ही की थी, पर इन फिल्मों की कामयाबी का श्रेय कल्पना को कभी नहीं मिला। शायद इसीलिए कल्पना ने शादी कर जल्द ही अपना घर बसा लिया था। कल्पना 2007 में तब चर्चा में आई थी जब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ था। तब तक कल्पना कैंसर की चपेट में आ चुकी थी और जिंदगी के आखिरी सालों में कल्पना लकवे और चेस्ट इंफेक्शन से भी जूझ रही थी। 4 जनवरी 2012 को कल्पना ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पर क्या आप जानते हैं कि कल्पना किसी भी फिल्मी बैकग्राउंड से ना होते हुए भी कैसे हिंदी सिनेमा एंट्री ली थी? दरअसल कल्पना का असली नाम था अर्चना मोहन था और वो एक बेहतरीन कथक डांसर थी। अब चूंकि कल्पना का संबंध कांग्रेस पार्टी से भी था, इसलिए वो राष्ट्रपति भवन में होने वाले सांस्कृतिक समारोहों का हिस्सा भी हुआ करती थी। और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कल्पना के सबसे बड़े फैन थे, जो कल्पना के कथक डांस के मुरीद हो चुके थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम में कल्पना को डांस करते हुए अभिनेता बलराज साहनी और उस समय की मशहूर लेखिका इस्मत चुगतई ने देखा तो फिल्मों में काम करने सलाह दे दी। कल्पना को भी ये सलाह अच्छी लगी और फिर वो मुंबई आ गई। फिर यहीं उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म पिकनिक और फिर नॉटी बॉय मिली। लेकिन कल्पना मोहन को शोहरत मिली फिल्म प्रोफेसर की कामयाबी से।